मैं कभी भी ये वाला वीडियो अपने चैनल पर नहीं बनाता, ना ही कभी पोस्ट करता, बट हैविंग फेथ ऑफ मोर देन 27,000 पीपल ऑन माई चैनल, जिसने मुझे कहा है कि दे आर गेटिंग मोटिवेटेड बाई मी, दे आर गेटिंग मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड बाई माई थॉट्स, माई वीडियोज, दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे वॉन्ट टू किल दिस सक्सेस, दे वॉन्ट टू गो थ्रू एवरी सेक्रीफाइस, वो सारे पेपर्स बार बार लिखेंगे, अटेम्प्ट के साइकिल में फंसेंगे, लेकिन वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल फ्री करवा के रहेंगे, वो सारी मुसीबतों को सामना करेंगे और एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। लेकिन जब एक नेशनल टीवी पे इंसान आता है, किसी सीईओ का फाउंडर बोलता है कि यार सीए से दूर रहो, इट हर्ट्स मी, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको बताऊं कि वो स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। वो स्टेटमेंट इसलिए गलत है बिकॉज हमारे देश का प्रधानमंत्री आकर बोलता है कि मेरी सिग्नेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे इस देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। मेरे इस देश में जो सीए है वो नेशनल बिल्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जहां ये एपिसोड्स फीचर्स हो रहे हैं वहां पर दो शार्क्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और दो शार्क्स के फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सो यू कैन थिंक कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारा प्रोफेशन, हमारी फ्रेटर्निटी कितना डोमिनेट कर रही है इन द स्टार्टअप वर्ल्ड। सो यू कैन थिंक ऑफ दिस एज वेल। और ये सोचिए कि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान ने फ्रॉड किया है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फ्रॉड किया है, किसी आईएएस ने फ्रॉड किया है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि यार ये पूरी प्रोफेशनल, ये पूरी फ्रेटर्निटी ही बुरी है, आप इससे दूर रहें। सो दिस हर्ट्स आर कम्युनिटी ऑन अ वेरी डीप वे। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट हर बिग फोर के डिमांड में, रिस्क एडवाइजरी, इंटरनल ऑडिट्स या फिर ऑडिट्स करवाने हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स हो, हर जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड्स है। मतलब इस हिसाब से तो हर बिग फोर को सीए से दूर रहना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फाउंडर ऑफ द लेंस कार्ड वो चाहते हैं कि हमको सीए से दूर रहें, तो हर बिग फोर को भी वो इंप्लीमेंट करना चाहिए और हर सीए से दूर रहना चाहिए। यू कैन थिंक ऑफ दिस एज वेल कि अगर लेंस कार्ड के ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन नहीं करी तो उसके तो ऑडिट स्टेटमेंट्स तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो उसको सीए से दूर रहना चाहिए, तो उसकी तो कंपनी तो यूं ही बंद हो जाएगी भाई। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आप किसी से कम नहीं हो। जस्ट थिंक ऑफ दिस सिचुएशन कि अगर लेंस कार्ड के ऑडिटर ने उनके ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया तो उनकी कंपनी का क्या होगा। हर कंपनी को चाहिए कि उनके ऑडिटर अपना ओपिनियन दे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर और उसकी वजह से उनकी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट आसानी से पब्लिश हो। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, जस्ट थिंक आपकी खुद की इज्जत होने वाली है, आपकी ऑलरेडी रिस्पेक्ट है, किसी पर्सन के आ जाने से, उसके स्टेटमेंट का सुनने से आपके प्रोफेशनल पर कोई इंपैक्ट नहीं है। वी ऑल नो कि हमारी आज डिमांड है और हम एक नेशनल बिल्डिंग में, ओवरऑल इंडिया की प्रोग्रेस में और ज्यादा स्टार्टअप लाने में जरूर हेल्प करने वाले हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप ऐसी स्टेटमेंट को अपने दिमाग में मत रखिएगा। वी आर मोर देन व्हाट यू हैव टोल्ड और हम आगे बढ़ते रहेंगे और उनको प्रूव करेंगे कि ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स और नेशनल बिल्डिंग में हम अपना योगदान, हम हमारा रिस्पॉन्स देने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।